महाराष्ट्र के आंकड़े भी आपके सामने रखता हूं, जिस महाराष्ट्र का जिक्र बार बार संदीप जी कर रहे हैं। संदीप जी, ये फिगर देखिएगा महाराष्ट्र में कि आज जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें 6 सीटें विदर्भ की हैं, और वो 6 सीटों में सीधा मुकाबला था शिवसेना का, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो अब असली हो गई है, और उद्धव ठाकरे की सेना का जो अब असली नहीं बची है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज क्या संदीप जी आपसे ही, क्या असली शिवसेना की पहचान हो पाई पहले महाराष्ट्र के इस दूसरे दौर के मतदान से? जब चुनाव का नतीजा निकलेगा वो हमें साफ दिखाएगा, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है वो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि मतदार के मन में कौन सा असली शिवसेना है, वो शायद फैसला इन क्षेत्रों के। एवरेज वोटिंग महाराष्ट्र में इन 8 सीटों पर कम हुई है, जस्ट टू अपडेट यू, एवरेज वोटिंग करीब 8 से 10% कम हुई है इन 8 सीटों पर। कम अगर कम भी हुई है, ये दोनों शिवसेना के ग्रुप्स में कौन सा शिवसेना अपने वोटर्स को ज्यादा पोलिंग बूथ पे ले आज लेने में सफल हुआ है, उसका एक शायद वो प्रदर्शन करेगा। नरेश जी, महाराष्ट्र में मैं बात कर रहा हूं, तो क्योंकि अभी तक पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, मुंबई की सीटें सामने नहीं आई हैं, महाराष्ट्र में 2 चरणों में मतदान हो चुका है, आपको लगता है कि बीजेपी असेस कर रही है कि कौन से किसके पास जाएं, हम अजीत पवार के साथ जाएं या एकनाथ शिंदे के जाएं या खुद इन सीटों को रखें? क्यों यह असमंजस दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र स्पेसिफिक? देखिए, महाराष्ट्र तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि वहाँ जो जितनी 48 सीटें हैं वो बहुत बड़ा नंबर है, और उस लिहाज से ये जो शिवसेना में जो दरार आई है, शिवसेना जो में जो फांक दो फांक हुई हैं, उसमें ये पहली बार ये पता चलेगा कि दरअसल शिवसेना असली क्या है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि ये उद्धव वाली जो शिवसेना है वो अब बीजेपी के साथ नहीं है, और बीजेपी को भी उसका समर्थन नहीं है, और ये एक तरह का जिसे कहते हैं ना कि डार्क एरिया है, तो इसको अभी हम नहीं ये बता सकते दो फेज के बाद में, लेकिन जो है जो वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये जो है अब पता चलेगा कि आप आगे जो जो दो जो फेज बनते हैं, तीन मेरे ख्याल में 3 फेज इनके और महाराष्ट्र के बाकी हैं जिसमें चुनाव होना है, तो उसमें ये तय होगा कि दरअसल ये अब ये जो गठबंधन है ये किस तरफ जाता है, और जो जो इंडिया गठबंधन है वो भी दरअसल टूटा हुआ है क्योंकि एनसीपी टूट गई है। नरेश जी, मैं बीच में टोकता हूँ आपको, मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट भी करना है, बुलेटिन का समय लिमिटेड होता है।